लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, जहां एग्जिट पोल को लेकर सियासत का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार। जिस प्रकार से कांग्रेस का डर है और अंतिम चरण के मतदान से पहले ही कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स की डिबेट से भागने का निर्णय लेकर इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस 2014 से ही डिनाइल मोड में जा रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश ने पिछले 10 वर्षों में एक परिवर्तनकारी सरकार देखी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में हम 400 पार के हमारे नारे को सिद्ध करने जा रहे हैं। भारत की जनता लोक कल्याण की इस सरकार के साथ में है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से इस बार चुनाव में काम किया है और उनकी ये मेहनत निश्चित रूप से रंग लाने जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों से इस बात पर निश्चित रूप से मुहर लग जाएगी कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। भाजपा की जीत देश की जनता के विश्वास की जीत है, विकसित भारत के लक्ष्य की जीत है। यह विकसित भारत और सनातन का विरोध करने वालों की करारी हार होगी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लिहाजा जिस प्रकार से एग्जिट पोल में बहसबाजियां होती हैं उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये सब बातें की थी, क्योंकि कई बार हमने देखा में भी रिकॉर्ड सामने आया है पोल कई बार बायस होते हैं, रिजल्ट उसके विपरीत आता है। लेकिन चूंकि अपने साथी समर्थकों के कई सलाहों के कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा प्रोपोगंडा जो फैलाया जाएगा उसको एक्सपोज करने के लिए हमें भी इसमें भाग लेना जरूरी है, लिहाजा हमारे पवन खेड़ा जी ने जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चीफ हैं उन्होंने फैसला लिया कि सभी प्रवक्ता एग्जिट पोल की बहस में हिस्सा लेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है, इंडिया गठबंधन ने बहुत मेहनत की है और पूरे देश में मोदी के विरोध में घर चल रही है। जो जो कहा था उन वादों पर वो खड़े नहीं उतरे, ना तो वो 2 करोड़ रोजगार के वादों पर खड़े उतरे, ना गरीबी मिटाने के नाम, किसानों की आय दुगनी करने पर, भ्रष्टाचार को रोकने में किसी भी चीज में सफल नहीं हुए। और तो और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछले में ट्रैक रिकॉर्ड होता जा रहा था कि वो बलात्कारियों के संरक्षक पार्टी के रूप में जानी जा रही थी, निश्चित रूप से पूरे देश में एक विद्रोह का माहौल था और इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिलेगी।